अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब अख्तर। आप देख रहे हैं द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो 2.0 पावर्ड बाय हिमानी। हिमानी और लाइफ बॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने का और हमें अपने फेवरेट स्टार से मिलाने का मौका भी आपने दिया इस स्पॉन्सर की वजह से। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी शुक्रिया। आवाम मेरी थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा पेट्रोल ये वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, लेकिन आप कहीं ना जाइएगा क्योंकि मेरे पास मेरे हम नाम जुड़ चुके हैं, मेरे साथ ही खेले हैं। थोड़ा सा एक साल डेढ़ साल का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बट आई नो हिम राइट फ्रॉम द वर्ड गो, बचपन से जानता हूँ उनको। ये लॉन्गेस्ट याद रखना लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में। मेरा नहीं ख्याल इनसे ज़्यादा पाकिस्तान को किसी ने इतने सालों तक रिप्रेजेंट किया है, नन अदर देन ओनली शोएब मलिक। यस सर, कैसा है मलिक? ऑल गुड मैन, ठीक ठाक। क्या हो रहा है? तुझी सुनाओ। बस खा सब गया खरीद सब गया। वैसे तो हमारी गप पंजाबी में लगती है ना। हाँ, यहाँ उर्दू बोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उर्दू हम बहुत अच्छी बोल लेते हैं। आप एक क्रिकेटर को जानते हैं जो उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है? वो कौन है? अब्दुल रज्जाक। वो तो उर्दू ऐसे बोलते हैं कि पंजाबी है वो, लेकिन एक चीज जरूर है, आप उनके साथ बैठे हो आप बोर नहीं होते। ऐसा ही है, और बड़ा मजा आता है उनके साथ, और आपका बहुत सारा टाइम गुजरा है, बड़ा फील्ड पे भी गुजरा है और ऑफ द फील्ड भी गुजरा है, फील्ड भी गुजरा है, लेकिन आप भी बहुत शुगर लगाते हैं। हाँ हाँ, लगा रहे तो मलिक, अपना लाइफ अच्छी जा रही है, मजेदार जा रही है। यार ये क्या राज है कि शोएब मलिक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर फॉर पाकिस्तान, इज दैट द फैक्ट? कोई आपसे ज्यादा खेला है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे चेक करना पड़ेगा ये। Who else played more than you? जावेद भाई? No. Not sure for how many years he has played, but नहीं नहीं, मैचेस की बात नहीं कर रहे हम, years की बात कर रहे। ये बात तय पा चुकी है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा साल खेलने वाला जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो शोएब मलिक है। और मजे की बात है भाईजान, अभी रिटायर नहीं हुए, सॉरी अब्दुल रजाक कह रहा है, रिटायर नहीं हुए अभी तक। लग रहा है आप उनको फेस नहीं करना चाह रहे। वो मिलेंगे ना, सबसे पहले वो आपको यही बताते हैं कि यार आपने ये बोल दिया था वहां पे। हाँ। ये नहीं यार, सही यार, एंज ना करे आगे। अच्छा चलो चलो चलो, मजाक छोड़े, आप लटायर कब हो रहे हैं? रिटायर या लिटायर? लटायर। लिटायर मुझे नहीं पता, लेकिन रिटायर जो है ना वो अभी नहीं। मैं जो लास्ट वर्ल्ड T20 था, आई वॉन्टेड to take retirement, but Babar spoke to me and he said, अभी रुक जाएं. So मैं रुक गया और मैं अभी तक रुका ही हूँ. So हम hoping against the hope कर सकते हैं कि आप आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान को T20 में represent कर सकें. बस एक बात तो है यार, तेरी ज़रूरत तो है ना, मत मिडिल ऑर्डर में तेरी ज़रूरत तो है ना, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में ना। अब बहुत सारा इन्वेस्ट कर लिया गया है कुछ प्लेयर्स पे, और दे शुड गेट चांसेस कंसिस्टेंटली, और उसमें इफ्तिखार जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप काम उम्र नहीं, पता नहीं लोग कहते हैं लोग कहते हैं लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि वो आपके हम उम्र हैं। मेरा मुझे लगता है मेरे को डेढ़ साल बड़ा होने। नहीं बट ही मूव्स फास्ट इन द फील्ड। नहीं आप तो फिट आदमी है ना। नहीं अभी अभी हूँ, अजय वैसे भी 10 साल पहले ही आराम आया मुझे, और घोड़े में आराम मुझे कोई अभी साल पहले आया। लेकिन मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, एवरी डे यू गो टू द ग्राउंड, यू रन, यू इवन बोल। और मैंने कहा था ना यार कि मलिक मैंने आज लगाए हैं 6 चक्कर ग्राउंड के, तुम्हें क्या पायन मोटरसाइकिल पे बैठ गए? नहीं उस टाइम पे ना, उस टाइम पे आपके घुटने सही नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि मोटरसाइकिल तो लाए। व्हाट अबाउट माय दिमाग? व्हाट अबाउट माय दिमाग? नहीं ओदा कोई नहीं लाज हो यार लेता। नहीं ऐसे कैसे ही है, यू स्टे लाइक दिस, हमें आप इसी तरह पसंद है। गुड, क्योंकि जैसा आपका दिल है, आई हैव प्लेड विद सो मेनी प्लेयर्स, बट जो आपका दिल है वैसा दिल मैंने नहीं देखा।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा मलिक, अब यार इतने लंबे टूर होते हैं, दुनिया में कहीं लीग हो दो बंदे वो लीग खेलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तीन है, एक हमारा हमारा अजहर महमूद, माशाल्लाह बॉल पहुंच नहीं रहा वो उस मुल्क पहुंच जाता है लीग खेलने, ऐसे ही है ना, अब वो बॉल पॉकेट में लेके जाते हैं। अच्छा लेकिन उनका शौक है, उनको बहुत शौक है, बेगम का प्रेशर है, पैसे बना नहीं, अब माशाल्लाह बड़े हैं। नहीं मजाक कर रहा है, अज्जू अज्जू का प्रॉब्लम ये है कि अज्जू इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट फ्रेंड, यू नो दैट राइट, सो यू ऑलवेज ट्रैवलिंग, यू आर ऑलवेज ऑन द रन, यू प्ले ऑलमोस्ट एवरी लीग, अभी कैरिबियन में 3-4 शीशे तोड़ के आए हैं आप पिछले साल, ठीक है जी, बट टेल मी हाउ मच ट्रैवलिंग इज इनफ फॉर यू, कभी मी टाइम, ये अपने लिए भी टाइम मिलता ही है, बस सारी जिंदगी अब खेलते ही रहना है। एक चीज का रिग्रेट जरूर है, वो ये है कि जब इजहान पैदा हुआ तो मुझे थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, वो मैं अब फील करता हूँ, और इसीलिए आई एम मेकिंग श्योर कि आई डोंट गो एंड प्ले ऑल द लीग्स, आई हैव कट डाउन सम ऑफ देम, अब मैं श्रीलंका खेल लेता हूँ, कनाडा खेल लेता हूँ, PSL या बांग्लादेश खेल लेता हूँ, CPL लास्ट ईयर भी मैंने मना किया, अभी भी मैंने मना किया, बिकॉज आई कॉन्ट सी माई सेल्फ गोइंग एंड बींग अवे फ्रॉम माई सन फॉर अबाउट 40-45 डेज, वो बहुत लंबा हो जाता है, और वो उसकी एज ऐसी है कि वो वीडियो कॉल पे आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता, ही विल बी 5 इंशाल्लाह इन अक्टूबर, तो मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा सा उसको और टाइम देना चाहिए था, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि जान से पहले ट्रैवलिंग मस्ट बी फन है ना, ट्रैवलिंग इज स्टिल फन, क्योंकि हम इतने यूज टू हो चुके हुए हैं कि मुझे घर में इतना सुकून नहीं मिलता जितना होटल रूम में मिलता है अभी तक, मेरा मतलब ऐसे ही है। अच्छा आप भी नहीं सो सकते ना किसी घर पे जाके, नहीं नहीं वापस आना, नहीं नहीं होटल वापस आना है, नहीं रह जाता है ना, होटल का कमरा ऐसा है कि वो एक सेटिस्फेक्शन है, वहाँ आपको पीसफुल नींद आती है, अभी कोविड जब आया था तो मैं सियालकोट में था, सब लोग फंसे हुए थे, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो हम लोग घर पे बहुत कम रहे हैं, तो अब अम्मी रोज़ मेरी शक्ल देख रही थी, रोज़ देख रही थी, तो 10वें दिन पे मुझे कहती हैं बेटा कहीं जाना नहीं है, मैं कहा नहीं नहीं कहाँ जाऊँ। तो कोविड एक ऐसी चीज़ थी, उसने सोचने का भी बहुत मौका दिया, और उसने ये भी मतलब आपको ये भी सोचने का मौका दिया कि यार क्या किया मैंने, क्या करना चाहिए था, या आने वाली लाइफ में क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज यूर ऑन द गो, यूर ट्रैवलिंग, योर व्हाटएवर, यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, यूर गोइंग देयर एंड प्लेइंग देयर, तो ये था कि टाइम ही नहीं मिलता था सोचने का, लेकिन कोविड ने दिया टाइम आपको। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमने नहीं सोची वो फाइनेंस के बारे में नहीं सोची, ये बात ठीक है कि हम जब जवान थे कभी ये सोचा नहीं कि यार हमारे पास फाइनेंस कैसे सिक्योर होंगे, हमें एज अ ब्रांड कैसे हमें बनना चाहिए, हमें किस तरह, क्यों फाइनेंस किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं, ऐसे ही ना फाइनेंस किसी ने पढ़ाया ही नहीं हमें कि यार इस पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो, हमने जितने बनाए दोस्त वो रोटी के लिए बनाए, को फाइनेंस वाला हमारा इन्वेस्टमेंट वाला दोस्त कोई नहीं बनाया आपने, ऐसा ही है ये बात ठीक है। देखें बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि हमारे या भाई होता है साथ में या रिलेटिव में से साथ में होते हैं या कोई ऐसा दोस्त आपका होता है कि वो फुल टाइम आपके साथ लग जाता है क्योंकि आपका आपकी क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है या आप किसी भी प्रोफेशन में स्पेशली बीइंग एन एथलीट, तो उसमें ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ चली जाती है ज़्यादा, फिर वो एक रूटीन बन जाती है, जब वो रूटीन बन जाती है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते, मुझे ये लगता है एथलीट्स जो हैं पाकिस्तान में हमारा ऐसा कल्चर है, बट जैसे आपके केस में आपके भाई हैं तो गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है जो है चाहिए, लेकिन ये है कि ये अच्छी भी चीज़ है इन अ वे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। अच्छा मेरा आप ये बेहतर बता लोगे, आप इन बच्चों को ये बताओगे कि यार आप अपनी सराउंडिंग में ना, यू नो हैविंग अ स्मार्टर पीपल अराउंड यू इट्स नॉट अ थ्रेट, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज राइट, इट इज सो। अच्छा मैं ये सिर्फ देखता हूँ आजकल के बच्चों में कि यार हमारा जो अपना जो विजन, जो आपका विजन है, जो आप समझते हो कि यार कि जब हम 19 साल के थे या 20 साल के थे, ये जो मेरे पास तजर्बा है ये मैं इन पर ट्रांसफर कर दूँ, यार देखो बात सुनो, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, एक छोटी हो, और जो आ रहा है उसको संभालना कैसे, वो हमें आज तक भी नजर नहीं आता। मुझे एक एडवाइस दी थी इनको बच्चों को, मुझे एक एडवाइस दी थी वसीम भाई ने और वो मेरे बहुत काम आई। क्या वो ये थी कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे इन योर प्लेइंग डेज,
they'll even try to, you know, show you sabz baag ki yaar yahan invest karo, ye ho jayega, ye ho jayega. So I've made those mistakes. Waseem bhai ne kaha tum nahi karna, sirf ye hai ki in your playing days, whenever you have money, buy the property and leave it. By the time you get done with your cricket, वो properties आपके साथ खड़ी होंगी, उसको जैसा मर्जी invest करो, जो करना है business कोई शुरू करना है, तो वो उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा advantage हुआ है. क्योंकि मुझे ये लगता है कि cricket में सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपने field में जाके कैसे situations के साथ deal करना है, उसमें यह है कि जब आप हर चीज़ आपको करनी आती होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें आप अपने प्रोफेशन में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद डिफरेंट सिनेरियोस. यस, तो इसलिए देखें, मुझे ये लगता है कि जब भी मैच क्रंच सिचुएशन में जाता है ना, तो वो हम मोस्टली हम हारते हैं. उसकी ये भी कुछ वजूहत हैं कि हम लोग ना क्रंच सिचुएशन में हम बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आती हमें, नहीं आती है. तो वो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीखते हैं. और मैं ब्लेस्ड हूँ इस कि मैं जहाँ पे भी खेला जाके आप डिफरेंट कल्चर में जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप देखते हैं कि उनका कैसा कल्चर है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप जो है जाते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं. और अकेले ट्रैवलिंग करना इज़ द बेस्ट थिंग, इज़ द बेस्ट थिंग. वसीम अकरम के पास हैं तकरीबन 30 घर और 50 घर शोएब मलिक के पास हैं, ये मैं आपको ऑन द कैमरा बताता हूँ. प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है, लेकिन मजाक का पार्ट. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक वेरी सून, सी यू इन अ बिट. सीम भाई, केलों से क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि प्लेयर जितने केले खाते हैं इतने मंदिर नहीं खाते. एक दफा बिल भी आ गया था, कितने 75 दर्जन खाए थे एक टीम ने केले एक सीजन में, 75 दर्जन. वेलकम बैक, द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शो ऑफ द शो 2.0 पावर्ड बाय हेमानी. हम अकल या नकल से काम लें, कैसे काम लें, हमारी गेम का नाम. अकल से काम लें या नकल से काम लें? मुझे नकल करवा सकते हैं. काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, जुगाड़ होनी चाहिए, जुगाड़ या वो, उसमें तो हम सारे बहुत आगे हैं. सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है? ऑप्शन देता हूँ. हाँ, मुझे नहीं, मैंने पता चलना. लेवेंडर, लेवेंडर नहीं, लेवेंडर. ये कहाँ है लेवेंडर? लेवेंडर जमीन में होता है. एग प्लांट, ओके, या बैम्बू? बैम्बू वो जो जो वसीम भाई देते थे, जो जो वसीम और राग भाई को बहुत दिए हैं. पाइनो गल नहीं हैगी. राग भाई को नहीं फेस किया जाएगा. वसीम भाई, केलों से क्या है उनको, क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि प्लेयर जितने केले खाते हैं इतने मंदिर नहीं खाते. एक दफा बिल भी आ गया था, कितने 75 दर्जन खाए थे एक टीम ने केले एक सीजन में, 75 दर्जन. वो इंसानों की टीम थी, बंदरों की टीम थी, है ना? सही कहते हैं वो. यार मैच नहीं आ रहा है ना. अच्छा जी, मुझे ये बताएं किस कॉन्टिनेंट में माखी नहीं पाया जाता? ऑप्शन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका. अंटार्कटिका. वाह, देखा क्रिकेटर स्मार्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तुक्का है. स्मार्ट ही हम एडिट करके आपको स्मार्ट ही दिखाएंगे. हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन, ऑप्शन ए 2, बी 3 और सी 1. ये जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन लग रहे हैं आप. आए ये मीता मीता बच्चन, मीठा बच्चन. चलो जी, वैसे ए बी और सी जो हमारे ग्रेड्स आते थे, सी बोलूंगा. सी करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. क्रिकेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया. कितने? ओ 4, सिर्फ 50 ओवर्स. 50 ओवर्स वर्ल्ड कप टी20 डाले बीच में.
चार जीते हैं ODIs वाले, ODIs एक T20, एक T20 पांच वर्ल्ड कप होता है। वेल डन यार, वेल डन, सही तो काम आ रहा है। एनालिस्ट भी हो ना क्रिकेट? हां क्रिकेट पे शो। अच्छा यार, मलिक तेरा डांस बड़ा मशहूर हुआ था यार, ये शो अपना वो एक चैनल के ऊपर कर रहे थे। ओ वेल आला ओ नहीं, वो मैं बॉडी खोल रहा था, स्टिफ थी बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने देखा वसीम भाई को, वकार भाई को, मिसबा, वो मिसबा यूं हिला रहा था। अच्छा बॉडी नहीं हिला रहा था, सिर्फ दाढ़ी याद रहा। अच्छा वो नहीं डांस करता, वो सिर्फ बातें कर, यार बातें कितनी करता है मिसबा, तो बहुत। लेकिन वो माशाल्लाह बड़ा ग्रेट गाय है। नो इज अ ग्रेट गाय, क्रिकेट पे बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ बल्कि जो वो नहीं होता, जब आप शो कर रहे हैं तो जाहिर बात आप स्टूडियो से कर रहे हैं, फिर देन देयर इज अ बैक स्टेज जिसे हम कहते हैं, जहाँ आप रेस्ट करते हैं, वहाँ बैठे हुए ना, वहाँ पे वसीम भाई भी सो रहे हैं, वकार भाई भी सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ। जिस बार अकेले ना यूँ लेटा हुआ था, अच्छा टीवी उसके सामने लगा हुआ था बड़ा, और बातें कर रहा है किससे, हम तीनों से जो तीनों सोए हुए हैं, ये एंज करना चाहिए, इन्हें एंज करना चाहिए, हम तीनों सो रहे हैं। मतलब ही लव्स टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, सोते बड़े में बात कर रहा है, सोते बड़े में या वो बातें करते हैं क्रिकेट पे या वो खाते हैं। टूर दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? यार इस टूर में मजा आया था। 1997 वाला मेरा पहला टूर आपके साथ, ए टीम के साथ। अब सारी बातें बता दें, कुछ बता दें, बाकी नहीं 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 नहीं, वो बातें नहीं बताने कोई भी। यार ऐसा क्या मजा आया था वहां पे? आपने बड़ा एंजॉय करवाया था वहां पे। वो याद है आपको, हमारे जो मैनेजर जो कहते थे रोज शेव करनी है। हाँ, मुझे रोज मिलते हैं इस्लामाबाद क्लब में आजकल। अच्छा इस्लामाबाद क्लब में? वो इस्लामाबाद रहते हैं ना। अच्छा मेरे तो वो अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी कोच थे। अच्छा तो वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, लेकिन वो एक बड़ी फनी बात थी। और राणा साहब, राणा के ही उन्होंने ना वो कहते थे रोज शेव करें। तो हमारा जो मेन डिनर था लास्ट डे पे, तो उसमें ना राणा साहब ही वाज लेट, बट वो शेव करके आए थे। हाँ। लेकिन जल्दी वाली की हुई थी, कहीं थोड़े थोड़े बाल बच गए थे, थोड़े से। अब ना आगे टाई लगा रहे हैं ना, ऑफिशियल टाई बस में आगे ना यूं करके लगा रहे हैं। तो अब वो पीछे बैठे हुए थे हमारे जो थे मैनेजर, उन्होंने कहा राणा शेव नहीं की। तो मुड़ के बताया क्या कहते, कह रहे हैं सर अब ये मुंह सिर्फ शॉर्पनर में देने वाला रहेगा। अच्छा याद है मैंने फिर शेव नहीं की नॉटिंगहम के बाद। नहीं नहीं आपने तो बहुत कुछ नहीं किया था। अच्छा भला मैं पहले भी बता चुका हूँ यार, टूर खत्म हो गया, मैं निकल गया वुल्वरहैम्पटन। नहीं वो ठीक है। हाँ टूर खत्म हो गया, मैं खत्म है तो खत्म है, मैं निकल जाता हूँ। नहीं आपने पूरे मैचेस खेल लिए। हाँ अच्छा कर लिया टीम के लिए। हाँ। जहाँ मर्जी जाए आप। अनाउंस हो गया मैं। हाँ जी उन्होंने बाद में निकलवा दिया। मैं उतरा हूँ सार में दोस्तों को राजा बाजार में इकट्ठा किया। मैं कह यार टीम अनाउंस होने वाली है तो मैं आज पाकिस्तान खेलने वाला, तो मैं कहता था उल्लू कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार हूँ, मान जाओ बात। उन्होंने कहा टीवी लगाओ खबरनामा, 9 बजे बाद टी शुरू हुआ खबरनामा, पहली खबर शुएब अख्तर डिसिप्लिन की वजह से बाहर हो गए। वो चाय वाला रख रहा था ना चाय वाला, वो चाय फड़ी वो उठे लंदर फूटे मुँह तेरा, वो महंगा ही यार। कहते तू बाहर हो गया टीम से अनाउंस होने के बाद, बाहर हो गया। मैं कह यार यार ये क्या किया, वो हमारे थे यार उस वक्त आप बहुत अच्छी फॉर्म में, मतलब हर चीज ऐसी रिदम में थी। लेकिन खैर जो होता है जो होता है बेहतर के लिए होता है। अच्छा इंडिया आपने नाम लिया, वहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ पे आप शायद भाई शायद अफरीदी और शायद अजहर भाई थे आप लोगों के साथ, तो कुछ बच्चे आए ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो उन्होंने लाला से ऑटोग्राफ लिया, अजहर भाई से लिया। जब आपसे उन्होंने नाम पूछा आपका, तो 3 दिन के बाद टेस्ट मैच था, वो ये वो वाला टेस्ट मैच है जिसमें आपने फर्स्ट बॉल पे सचिन को बोल दिया था, तो आपने कहा था कि 3 दिन के बाद सिर्फ आप मेरा ही नाम ले रहे होगे, ऐसी स्टोरी थी। ऐसा है, ऐसा है। असल में वो क्या है, शायद इतना सुपरस्टार है हमारा, तो जहाँ जाएँ शायद के पीछे। तो मैं और शायद रज्जू हम जा रहे थे, तो मुझे अभी धक्का शक्का मार के पीछे करते, मुझे कौन जानता था, तो ये सारे फैन आ गए मुझे धक्का मार के पीछे, तो एक ने मुझसे पूछ लिया वो भाई जी तू भी इनके साथ है? मैं कहा हाँ मैं भी इनके साथ पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ सुपरस्टार हूँ। कहते तेरा नाम क्या है? मैं कहा पुत्र तू जान जाएगा मेरा नाम क्या है। और मैं फिर खेल गया
अक्सर औकात होता था कि फिर जब मैं खेला फिर उसके बाद फिर तबाही मच गई, फिर वो शारजा हुआ, 99 वर्ल्ड कप हुआ, देन रेस्ट वाज हिस्ट्री। अक्सर औकात हम लोगों से आके ना, मैं शायद हों तो एक्सक्यूज़ मी हाथ मार के या बात करके, अज्जू के साथ फ़र्क होता था, अज्जू सीधा कान को पकड़ के हेलो अज्जू के साथ ना तो कान पकड़ के बात करते गाजन। अच्छा अज्जू के साथ मेरे कान नहीं भी पकड़े वैसे ही हाथ में आ जाता था। अच्छा लेग अगर तो यहाँ पे होता तो बड़ा मजा करते, लेकिन अजहर भाई ने तो हमें कुछ नहीं कहना। आपको पता है जिसने कहना है तो okay, सोशल मीडिया था ना, क्या था ना अबा सोशल मीडिया पे मजाक कर रहे हैं। अच्छा मोस्ट मेमोरेबल टूर विद पाकिस्तान, जाकर यार मैं जीता भी हूँ, मजा भी आया, खाया पिया भी है, पार्टी भी की है और चल किया, वो टूर 2009 वर्ल्ड T20 इंग्लैंड, इंग्लैंड 2009 जी बिल्कुल। वो एक ऐसा टूर था मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ मर्जी आप आए जाएं, और इवन दो कि वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था कि जहाँ पे मतलब कुछ डिफरेंसेस भी थे, गलत सेंस में नहीं थे, ठीक है, वो एक होता है पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला, वो तो नॉर्मल है हमारे कल्चर में, तो वो एलिमेंट था जो उस टीम के प्लेयर्स थे, बट जैसे ही वो रोप क्रॉस करते थे फिर पाकिस्तान के लिए जान लगाते थे, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पे मतलब था वो एलिमेंट था, लेकिन और एक 2017 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो एक ऐसी चीज़ थी, वो भी इंग्लैंड में थी, लेकिन उसमें सारे एक थे, वो भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, लेकिन ये दो ऐसे टूर्स हैं जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल हैं। और हाँ एक और टूर मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, मैं मैच तो एक ही खेला था, वो था 2001 वाला ऑस्ट्रेलिया का टूर जिसमें आपने ब्रिस्बेन में छक्का लगाया था, 6 आउट किए थे आप, हाँ हाँ 5 आउट किए थे, वो एक ऐसा टूर था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना आज भी बहुत मुश्किल काम है, वो डर गए थे वो तो भागे फिर, वो एक ऐसा टूर था, वो मेरे लिए बहुत, मैंने उस टूर में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसा टूर था कि जहाँ पे ये समझ में आई कि गिव अप वाला कोई काम नहीं है, तो उस टूर ने मुझे मतलब बहुत मेन चीज़ सिखाई कि गिव अप वाला कोई लाइफ में काम नहीं है, गिव अप नहीं कर सकते आप, गिव अप हम भी नहीं कर रहे अपने चैनल के साथ, क्योंकि हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, सी यू लेटर। गोल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, घरों से आपका लेना देना है। ये क्या हो सकता है जी? अच्छा गोल्ड और वेलकम बैक टू द शोएब अख्तर शो 2.0। आप ये गेम खेलने जा रहे हैं हिमानी की जानिब से, हिमानी आपके लिए 75 सालों से मेड इन पाकिस्तान बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए, और उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए फ्रेग्रेंसेस भी बढ़ाएं और खुशबू लगाएं, छा जाएं, आगे निकल जाएं। लेकिन यार हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जो है इसमें गाना गेस करना है, बस गाना गेस करना है, बस सिंपल, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे गाना, आपने चीजें तीन देखनी है, तीन चीजें क्या है और आप बताने किस कौन सा गाना हो सकता है जी। इस गेम का नाम है गेस द सॉन्ग, और आइए जी स्क्रीन पर देखते हैं जी कि पहला गाना कौन है जो शोएब मलिक साहब गेस करेंगे। पुट इट अप प्लीज, गेस द सॉन्ग, ये क्या है जी तस्वीर में, कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ, कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ, और आप सीधा अंदर आना चाहते हैं, ऐसा कोई प्लीज यार मुश्किल गाना दें यार, ये तो वॉकिंग इन द पार्क, दिस इज वार्म अप। चले जी नेक्स्ट सॉन्ग, पुट इट अप, मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम प्लीज, लेट हिम हार्ड टू गेस, बैट आगे क्या है, वर्ल्ड कप है और आगे है हमारा द ग्रेट फ्लैग, ओके जुनून का गाना, नहीं हम पाकिस्तानी हैं, वर्ल्ड कप है ये, वर्ल्ड कप है कौन सा, हम हाँ करीब है, हम तो पाकिस्तानी हैं,
हम तो जीतेंगे 92 वाला ना, हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे, हाँ हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल से, हर मुश्किल जीतेंगे। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों, घबराने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, आप कहीं ना जाइए, रिलैक्स करिए, इस कंट्री को बनाने में बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा खून डुला है, इतना जल्दी ये कंट्री गिरता नहीं है, आई एम टेलिंग यू विद माय कन्विक्शन, सो रिलैक्स। नेक्स्ट, गेस द सॉन्ग प्लीज। एक ये, और ये, ये तो उनके लिए था ना जो गए नहीं, और जो चले गए उनके लिए क्या मैसेज है? अच्छा, गोल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, घरों से आपका लेना देना है। ये क्या हो सकता है जी? अच्छा, गोल्ड आर सोना, ये चांदी होगी, घर, ये गाना कौन सा है? Yes. सोना चांदी घर गाना है ना ये? ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, नहीं, नहीं सोना चाहिए, हाँ, ना सोना नहीं दे सकता मैं, हाँ, लेकिन हिंट देना कोई, मैं नहीं दे सकूंगा, सोना घर चांदी, हाँ तो कौन देगा? देने ना देने की लगे इखलाक है, सब गाना है यार, सोना ना चांदी ना महल तुझको दे सकूंगा, मैं ऐसे प्यार दे सकता हूँ, ये मेरे टाइम से पहले का, ये तुम्हारी पैदाइश से पहले का, कोई ऐसी चीज देना जो मेरी पैदाइश वाली है, चले मैं सोचता हूँ, सोना ना चांदी ना कोई महल मैं तुझको दे सकूंगा, ये इखलाक है मैं गाना था, लेकिन मैं तुमको प्यार दे सकता हूँ, लेकिन आजकल और को नहीं, किसी नहीं चाहिए, आजकल ऐसी चीजें दे देते हैं, प्यार नहीं देते। ये बात भी सच है। गेस द सॉन्ग, नेक्स्ट वन, आसान वाला लगाएं जी। ये छत है, पतंग मा सजना दे, यस पतंग मा बल मा से, ये तो हम लोगों ने बसंते में ना आगे गाना चलाया है बहुत सारा, ये तो बहुत इजी था। और आंखों आंखों में उलझी डोर, हाँ आंखों आंखों में उलझी डोर, हाँ अब बसंत तो होती नहीं है, बेचा पड़ गया, मच गया, मच गया शोर, डोल डबके जब लगते थे, आए आए, अच्छा तो मैं डांस कर रहे थे, और वो ऐसा था जैसे क्रिकेट जब मैच होता ना तो पूरी कंट्री जो है ना वो एक पेज पे आ जाती है, ये भी एक ऐसा ही था, बसंत ऐसा ही था ना, बसंत एक ऐसा ही त्योहार। एनीवेज AI, अब जो सवाल मैं नहीं पूछ सकता तो आप पूछें, अब हम आने के स्कॉट जोन में आ चुके हैं, अगर ये दो सवालों के जवाब ठीक दे सकें और सही ऑनेस्टली दे सकें तो हम इनको हेमानी का गिफ्ट हैंपर गिफ्ट कर देंगे। जी AI, सवाल कीजिए, ये है हमारा मैजिक बॉल और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा और आपने ठीक ठीक जवाब देना है ताकि आप गिफ्ट हैंपर जीत सकें। जी AI, सवाल करें। शोएब मलिक, आपकी सीनियोरिटी और चेहरे की फ्रेशनेस और फिटनेस साथ साथ बढ़ रही है, What is the secret? What is the secret? I give myself lot of time और खाता भी तो अच्छा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और किसी को नाराज नहीं करता। Good, very deep. और he's getting fitter by the way. Shoaib Malik, you should know that he is fit and he looks after himself like he's anything. 6-pack, 8-packs बने हो भाईजान। अगर आपने देखने तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, डाल दूं इसे ट्विटर पे तेरा नंबर। आप बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते, आप बड़े हैं कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं करूंगा नहीं। AI, जरा मुश्किल सवाल करें और पूछा जाए इनसे एक और सवाल। Who is the closest friend in the Pakistani team and the reason? And the reason, they can be from 90s also. Yeah. So one person is sitting right in front of me, Yusuf bhai, Mohammad Yusuf. उनके साथ मेरा बहुत प्यारा टाइम गुजरा है। तो वियर्ड फैन मोमेंट होता होगा कि एयरपोर्ट पे, शॉपिंग मॉल पे किसी ने कॉलर पकड़ा है। वैसे लोग समझते हैं ना कि यार हम सारा दिन काम करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, 100-200 तस्वीरें, आज़ाद तस्वीरें, अल्लाह का शुक्र है
लोग आते हैं पहचानते हैं यार, जब यहाँ से पकड़ते हैं ना मुझे बड़ा तप चढ़ती है, यहाँ से पकड़ते हैं जब मुझे बड़ी तप चढ़ती है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि यार मुझे तप चढ़ गई है वो वियर्ड क्रेजी फैन? मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2004 में, हम लोग कोलकाता में एक ही मैच था ईद से एक दिन पहले वाला, जिसमें इमरान भाई भी आए थे वहाँ वो मैच देखने के लिए। तो उस मैच में हम लोगों ने 292 चेज किया था उस टाइम पे, 292 बहुत मैसिव टोटल, बहुत बड़ा। और उसमें ये था कि सलमान भट्ट ने रन्स बनाए थे, मैंने रन्स बनाए थे और इंजी भाई ने रन्स बनाए थे। तो मैं वो अगले दिन ईद थी, देव गिवन अस अ चार्टर फ्लाइट, हम लोग वापस आए लाहौर, मेरी गाड़ी खड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी, मैंने गाड़ी ली और अम्मी को मैंने बोला कि मैं लाहौर से अब निकल रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, मैं लिबर्टी चौक में, लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी लाहौर में, उन्होंने मुझे शोल्डर पे बिठाया, राउंड लगवाए उन्होंने। उसके बाद मैं ये मोटरवे तो अब बना है, पहले नहीं था, फिर मुरीद के और फिर उसके बाद गुजरावाला। गुजरावाला में तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे 2.5 घंटे लगे, उन्होंने मुझे शोल्डर पे बिठा के पूरा गुजरावाला उन्होंने घुमाया फिराया, उन्होंने पायशाए खिलवाए, पता नहीं। वो एक ऐसी चीज़ थी कि लाहौर से सियालकोट का जो सफ़र था उस टाइम पे था 2.5 आवर्स 3 आवर्स, लेकिन इट टुक मी 6 आवर्स टू गेट टू माई प्लेस। तो मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट था, इंसिडेंट मैं बोलूँगा एक ऐसी चीज़ थी कि मैं आज तक भी नहीं वो भूला, वो एक ऐसी चीज़ थी। लेकिन लाड़ तो बहुत करते हैं लोग हैं अब, हाँ कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है, हम सबके मूड स्विंग्स हैं, कोई आपका अच्छा मूड नहीं है तो कोई आके ना आपको इस तरह जब करके कहता ना यार पिक्चर देना, या आप खाने पे बैठे हुए फैमिली के साथ तो कोई आके कहता नहीं खाना छोड़ें पिक्चर दें पहले, तो वो थोड़े से एक ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं। मुझे जो बड़ा बड़ा बुरा लगता है ना, जब हम रेस्टोरेंट बैठे हैं खुद रोटी खा लेते हैं, आपने रोटी खा ली वो मैं शुरू की थी, उन खा पी के उन्हें पता है ना बैठा है घंटा खा पी के ना पाए ना उसे रोटी, मैं कहा तू रोटी खा ली है आराम, कहना हाँ जी खा ले, मैं कहा मैं खा ला नहीं, तस्वीर चाहिए तस्वीर चाहिए, आपको बैट चाहिए बैट दे देंगे, आप भी हमारे साथ खेलते रहिए। ये शुएब मलिक का साइन शुदा बैट आपको मिलेगा, साथ मेरा साइन हुआ हुआ है और इसके साथ साथ आपको ये साइन कर दीजिएगा प्लीज़, और गिफ्ट हैम्पर शुएब मलिक को देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बॉल भी आपको मिलेगा। हमारे साथ खेलते रहिए, हमारे साथ क्विज क्वेश्चन भी खेलते रहिए ताकि ये गिव अवेज आप तक पहुंचते रहें। ये साइन कर दीजिए बॉल, और ये है हमारा हिमानी का गिफ्ट हैम्पा, ये साइन कर दीजिए, ये जी गिफ्ट हैम्पा, और ये हमारा ये मलिक के लिए, ये हमारा 2.0 कस्टमाइज ओनली फॉर दिस शो, और ये आपको मुबारक हो सर, थैंक यू। और ये आपने जवाब तो आपने तगड़े दिए, गाने आपने गैस अच्छे किए हैं, ये मैं आपको बंद कर देता हूँ, जितना की चंगा काम कर रहे हैं, मैंने सेल्समैन होना चाहिए जी। एनीवेज बैठिए तस्वीर बैठिए, सब कुछ कर रहे हैं आप, हाँ हाँ। सो सो एनीवेज ये गिफ्ट हैम्पर शुएब मलिक का हुआ, और आपको गिव अवेज मिलेंगे जब आप हमारे क्विज खेलेंगे। डाउनलोड द ऐप उर्दू फ्लिक्स, और जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारे साथ खेलेंगे तो यू विल बी राइट विद अस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लव यू ऑल, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। क्या यार ये मेरे दिल को लगी है ठा करके, ये बड़ी प्यारी लड़की है, स्पोर्ट्स हो सकती है, इंडस्ट्री की हो सकती है, मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, मजे की बात, बंदी है वैसे ही ठा करके लगती है वो, ठीक है। पांच लड़कियों के नाम बताओ। पांच नहीं, मैं 500 है। वेलकम बैक, द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शो ऑफ द 2.0 पावर्ड बाय हिमानी। यार मैं खुद फास्टेस्ट बॉलर हूँ हिस्ट्री का, तेज करता हूँ हर चीज, लेकिन एक काम तेज नहीं किया, एक काम में तेजी नहीं दिखाई, गेस कर, मान जो शावर और कोई रीजनेबल बात बता और सोच, ये जल्दी करना चाहिए था मुझे काम। बाल में आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बाल बनाने में, और अभी कुछ देखा था तुमने अभी जो बहुत तेज काम करते हैं,
करना चाहिए था, मुझे जल्दी काम करना चाहिए था एक काम। ये जो आप कर रहे हैं आप, ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन शादी शादी आप जल्दी करते। हाँ, तब किसी ने देनी नहीं थी। क्या नहीं देनी थी लड़की? हाँ अच्छा, जिम्मेदारी नहीं देनी थी। जिम्मेदारी नहीं देनी थी क्योंकि यू वर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। ओह राइट, actually when I was ready for responsibility I thought I need to get married. Acha, actually you know maine ye faisla chura tha walda pe. Lekin aap wife cricketer bhi hain kya? Ye shaadi ke baad jitna change aap mein aaya kisi mein nahi. Really, you think so? Yes, karma. I think I should give credit to your wife. Yeah 100%. Absolutely 100% credit goes to you, but I think do teen auraton ka bada हाथ है इस चीज़ में, मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे बेगम का, और जो भी खवातीन मेरी जिंदगी में रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन दे लेफ्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी। एवरी वुमन दैट केम इनटू माय लाइफ इन एनी शेप और फॉर्म और फ्रेंड एज अ फ्रेंड लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। थैंक यू वुमेन। और याद है लाहौर में जब भी मैं आया हूँ तो मैंने आपको कॉल किया जब आप लाहौर रहते थे। तो आप हमेशा कहते थे मेरे वंस माय अम्मी स्लीप्स देन आई विल कम आउट, और कुछ टाइम के लिए आते थे। हाँ ऐसे, इसीलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट किया आपकी अम्मी को कि आप ज़्यादा लाहौर ही रहा करें ताकि ये घर पे रहे। मैं घर पे नहीं रहता था, वैसे ये मेरा प्रॉब्लम था। वैसे सारे राज मत खोलो, तुम्हारे साथ रैपिड फायर होगा। ये तो मुझे लग रहा है उल्टा चल रहा है। आई नो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम सो फार आई हैड। वो कौन सी पांच लड़कियां हैं उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं किसी भी इंडस्ट्री से हो? क्या यार ये मेरे दिल को लगी है ठा करके, ये बड़ी प्यारी लड़कियां, स्पोर्ट्स हो सकती हैं, इंडस्ट्री की हो सकती हैं। मजे की बात बताऊं, मजे की बात बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। वो ठीक है, पांच लड़कियों के नाम बताओ। पांच नहीं, मैं 500 हैं। 500 बता दो। पांच पॉलिटिशियन में कोई पसंद है या आपको इंडस्ट्री से पसंद है? बंदियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, दुनिया भर से, लेकिन पांच नाम आई थिंक वोंट बी एनफ। चलो आप बॉलीवुड के, हॉलीवुड के। मजे की बात, और मजे की बात बताता हूं, मेरी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से बनती है। अच्छा, वो तो इसीलिए मैं पता नहीं बताते खुद में भी मैं लड़की लगता हूँ शायद। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा यार, तो किधर लेके जा रहे कॉन्वर्सेशन का? वो कट कर देंगे। नहीं कुछ नहीं काटो ना। <यार है। laughs> अच्छा, मैं विषया, मायरा, हानिया, जो बाकी बाकी दस है उनसे दोस्ती खत्म करवाएंगे। मैं पांच नाम नहीं, दोस्ती खत्म करानी हमने। चलें जी, सबके साथ, सारी बंदियां अच्छी हैं, सारी बंदियां अच्छी होती हैं। सिंधी जुबान में कोई तीन लफ्ज बोल दें। दस सेकंड नहीं आते। पश्तो जुबान में कोई दो लफ्ज बोल दें। वो शो बंद हो जाएगा अगर मैंने बोले तो। शो बंद हो जाएगा अगर बोले तो। तीन लफ्ज जो मलिक को गुस्सा है वो बोल देने मैंने, वो तीन लफ्ज क्या होंगे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, ये तुमको कह रहे हैं हम। हाँ, बात क्या बढ़ानी है, अब दोनों गुस्से में है तो बेहतर यही है कि किसी तरह उस टाइम को एक दूसरे से दूर हो जाओ। तीन चीजें ऐसी हैं जो आप छुपा कर रखते हैं। तीन चीजें, 10 सेकंड है। आपकी तरह पैसा, मैं बाकी दो चीजें आगे बोलो। कह रहे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में कुछ भी बोल सकते हो। डिजिटल है ना? हाँ, बॉक्सर। छुपा के रखते हैं ना उसको। I know, बिल्कुल छुपा के रखते हैं। I know. और आपका शेविंग किट, इस तरह की चीजें आप, यू डोंट एक्सपोज योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हो गया। तीन चीजें जो आप सिर्फ रात में कर सकते हैं, दिन में नहीं, वो क्या है? सोना, सोने से पहले दूध पीना ठंडा, वो गरम से अच्छी नींद आती है। कौन पागी बिंदा से दूध से जी ना, गोडे कमजोर से।
अच्छा छुआरों से घोड़े ठीक हुए? पता नहीं, ये लॉजिक नहीं समझ आती यार। दूध में जलेबी डाल लो। व्हाई? आई डोंट नो, शायद वो जलेबियां खुश हो जाती हैं। एनीवेज, वो तीन चीजें जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो क्या है? मैं नहीं किसी को बता सकता। जो मैं अच्छे काम करता हूँ लाइफ में, okay. जिन लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। दो हो गई। और तीसरी चीज क्या थी आपका सवाल? क्या था जो आप नहीं बता सकते? जो मैं नहीं बता सकता, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, दैट इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये जो दिखा के नमाज पढ़ना है, ये क्या है थोड़ा सा? देखिए, मेरा कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन मुझे तीन चीज़ें पता हैं, और वो यही है कि नमाज पढ़नी चाहिए, यस, और कुरान पढ़ना चाहिए, यस, और सीधी दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। ये तीन चीज़ें मुझे पता है। इसके अलावा, हाँ, आप बीइंग अ मुस्लिम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो गाइड अदर पीपल टू प्रे, दैट्स इट। एग्जैक्टली मलिक, इट्स बीन अ फन, लेकिन अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू नाउ? नाउ यू प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर 24 इयर्स, नाउ वी डन एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली आस्क फॉर। जब 99 वगैरह तुम मुझसे पूछते यार कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना लंबा अरसा खेलूंगा, आप कहते नहीं यार, मुझे तो शोएब भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना लंबा जाऊँ, ये तो कभी सोचा नहीं था 99 में। क्रिकेट खेल ली, लीग्स खेल लिए, पैसा कमा लिया, शादी होगी, बच्चे हो गए, नाम हो गया, फिटनेस हो गई, सब कुछ हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ फॉर मिस्टर मलिक? नेक्स्ट इज फॉर आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट 1700 or 1800 रन्स अवे टू बिकम अ नंबर वन बैटर इन T20 क्रिकेट। इन द वर्ल्ड? जी, क्रिस गेल के हैं तकरीबन 14,500 रन, तो मेरे ऑलमोस्ट 13 होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वंस आई क्रॉस दैट इंशाल्लाह, देन आई टेक अ कॉल। लेकिन अभी आई एम एंजॉइंग माय क्रिकेट, और मुझे होस्टिंग करने का शौक है आपकी तरह। अच्छा, तो एक दो शोज मैंने शुरू किए हुए हैं, वो करता हूँ। और एज आई सेड कि मुझे इजहान के साथ टाइम गुजारना चाहिए था, उसको टाइम देता हूँ, लीग्स खेलता हूँ और होस्टिंग करता हूँ। okay. और for the time being or for near future, these are the goals which I would really like to achieve. Or paise ka shauk hai yaar, mere paise hona chahiye, bahut zyada paise hona chahiye, mere private jet, mere private jet hona chahiye, you know, jet setting meri zara top class ki honi chahiye. Mera manna ye hai ki agar aapke paas 100 crore hai ya aapke paas 1000 crore hai, lifestyle aap same rakh sakte ho. So I'm not greedy about money. और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा पैसे होते हैं उतनी ज़्यादा टेंशन आती है, तो मी टाइम आपका दूर होते रहता है। मैं आपको भी यही एडवाइस कर रहा हूँ, इतना काम ना करें। ये मेरे पैसों के पीछे पड़ गया है, इससे पहले बात आगे बढ़ जाए। मलिक, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, योर सर्विसेज टू पाकिस्तान इज जस्ट बियॉन्ड beyond anybody else. So you have done wonders, you had made yourself a great name, aur tumne bahut naam kamaya, bahut saal Pakistan mein khele hain. I really wish ke yaar aapko mauka mile dobara, aap apne 17,000 runs pure kare ya 15,000 runs pure kare, aap Pakistan team mein aaye aur acche note pe khatam kare. This is my request. You gotta love this cricketer because what he has done for the country, he's been a figure that you know you can say that yaar isko follow kiya ja sakta hai. Now he is into the training, he is into fitnesses, and he's into looking after himself. Ye seekh lo Malik se ki apne aap ka bada look after karta hai, main aapko sahi bata raha hu. So thank you very much for coming into my show. This is us for tonight. I hope you enjoyed it. I think by far this is my best show. Oh, naam Shoaib hoga to normal kaise ho sakta hai. Love you all, take care, till then. पास्ट परफॉर्मेंसेस हमारी, और अब वर्ल्ड कप में चांसेस आप पाकिस्तान टीम में क्या देख रहे हैं आप? सच बताऊं, एक मिनट, ये आप बताओ,
आप मतलब एक इतना बड़ा एक वो इंसान सामने बैठा हो और ये हमसे ही हम सवाल क्रिकेट पे राय नहीं भाई हम राय नहीं देंगे आप अभी बोले ये क्या है क्या आपकी राय यार अब मैं तुम्हारा होस्ट हूं आप मैं गेस्ट बट यू आर शुएब अख्तर यू नो लाइक यू आर होस्ट डिड यू फॉरगेट टेल अस डूड वी वांट टू नो टेल अस यार ऐसा नाम